गूगल सीट के भी क्लास में हम चार्ट कर रहे हैं, और चार्ट में आगे की हम चीजें करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे चार्ट के अंदर नेक्स्ट जो स्टेप है उसकी, क्योंकि हम लास्ट क्लास में चार्ट इंसर्ट करना, चार्ट को फॉर्मेट करना और दो तीन तरह के चार्ट्स को हमने पढ़ा था। तो हम चार्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही चार्ट यहाँ क्रिएट होता है और चार्ट एडिटर यहाँ खुल जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान लीजिए चार्ट एडिटर आपने बंद कर दिया, तो वापस चार्ट एडिटर लाएंगे कैसे? बस चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे थ्री डॉट आपको दिखेगा, ये तीन डॉट हो दिखेगा, इन तीन डॉट पे जाए और यहाँ आप एडिट चार्ट पे क्लिक करें, क्लिक करते ही चार्ट एडिटर आ जाएगा। तो हमने बताया था यहाँ से चार्ट टाइप ले सकते हैं, हमने आपको सजेस्ट चार्ट के बारे में बताया था। अब चलिए वन बाय वन बाकी चार्ट्स को भी देख लेते हैं, और कस्टमाइज के अंदर उसके फॉर्मेटिंग होते हैं क्योंकि हमने बताया, और सारे चार्ट की Yes. फॉर्मेटिंग मोस्टली सेम होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। नहीं तो तो यहाँ लाइन चार्ट है, लाइन वाइज आपको देता है, लाइन चार्ट के भी अपनी फॉर्मेटिंग है, चार्ट के स्टाइल किस तरह का स्टाइल होना चाहिए, किस तरह का बैकग्राउंड वगैरह वगैरह। स्मूथ लाइन चाहिए, स्मूथ लाइन पे क्लिक कीजिए, मैक्सिमम लाइन मैक्सिमम चार्ट मतलब बड़ा चार्ट चाहिए या फिर चाहिए प्लॉट फुल वैल्यूज ऑलरेडी है, कंपेयर मोड ऑलरेडी, इसमें जो दो चार्ट होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है, जैसे दो लाइन ही है तो एजी यूज की जाती सेटअप में। वापस आते हैं लाइन में, यहाँ हमने आपका ये स्मूथ लाइन हमने क्लिक किया तो स्मूथ लाइन आ गया सेम जी। इसके बाद यहाँ पे कॉम्बो चार्ट होता है, राइट? तो कॉम्बो चार्ट के लिए दो सीरीज चाहिए होता है, कॉम्बो चार्ट के लिए दो दूसरी से चाहिए होता है, एक सीरीज से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें दो सीरीज चाहिए। तो यहां से सिलेक्ट डेटा दिख रहा है, तो ये दोबारा से चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, यहीं पे सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करते हैं और सिलेक्ट डेटा में हम जाते हैं और यहीं से एड अनोदर एरिया पे क्लिक करते हैं और यहीं से हम अपना एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। ये घूम रहा है, सॉरी इसने दो एरिया कर दिया, यहाँ से एक एरिया डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम कॉम्बो चार्ट पे क्लिक करते हैं, डेटा रेंज ए से C3 है, एक्सिस है, ओके नहीं मुझे एक बार दोबारा लगाना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि चार्ट टाइप चेंज हुआ है ना, एक्सेल में होता है उस तरह से नहीं है। मैं चार्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ दो लाइनिंग आ गई, Gen5 सीरीज। ऐसे यहाँ पे हम इससे पहले भी कर सकते थे, यहाँ पे हमने जो चार्ट पे क्लिक किया, यहाँ से एडिट चार्ट पे जाते हैं, ये सीरीज आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एड सीरीज दिख रहा है, यस एड सीरीज पे जाइए और जेन के जगह पे फैब क्लिक कर लीजिए। आ गया सर, दोबारा चार्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस कॉम्बो चार्ट में आपका यही इसी तरह से यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्मूथ रो कॉलम, तो ये देखिए इस तरह स्विच स्विच करना है, स्विच कर सकते हैं, यूज वन रो हीडर, ऊपर हीडर आ रहा था, यहाँ देखेंगे हीडर गायब हो रहा था। उसके बाद कस्टमाइज भी इसके अलग अपने सेटिंग्स से है, अपने ये है फॉर्मेटिंग से, जो कि सब में सेम होता है, मैंने बताया हर चार्ट में बताने की जरूरत नहीं। नहीं। उसके बाद ये आपका एरिया चार्ट है, एरिया चार्ट और लाइन चार्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, फर्क क्या होता है कि दोनों के अंदर ये लाइनिंग एरिया कवर करके लेके आता है और एक सिर्फ नीचे कलर नहीं होता, यस लाइन होता है सिर्फ, लाइन इसमें भी है, नहीं देखिए लाइन तो इसमें भी है, यस 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 कलर कर रखा है उसने, कलर नहीं किया, यस ये आपका 100% है। उसी तरह से ये आपका स्टॉपेट एरिया चार्ट है, इस तरह से एक ये समझिए कि लाइन चार्ट जो होता है कॉलम चार्ट होता है ना, उसी को एरिया चार्ट में कन्वर्ट कर दिया हुआ। उसके बाद ये भी सेम आपका 100% है, और ये आपका आता है 100% का, जो ये ऊपर जो हम बताए थे ना चार्ट उसमें, और ये आपका कॉलम चार्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया ही था।
कॉलम चार्ट के नीचे आपके पास बार चार्ट आता है, तो कॉलम चार्ट के तरह बार चार्ट ये डबल डबल लाइन बना रहा है, जैन एंड फैब का हर बंदे का दो दो लाइन बना रहा है, लेकिन जब स्टैक चार्ट लेंगे तो ये क्या करेगा, एक ही लाइन में दोनों को मर्ज कर देगा। ठीक है सर? यस, एक ही लाइन में दोनों को मर्ज कर देगा। उस तरह से पाई चार्ट देखिए, अब यहां पे जो पाई चार्ट है ना सर, पाई चार्ट हमेशा एक डेटा पे यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ जनवरी वीएस नेम दिख रहा है, राइट? यस। आपका फैब नेम, तो पाई चार्ट हमेशा एक ही पे यूज पर्टिकुलर यूज होता है जी, एक ही पे, एक ही हेडिंग के ऊपर। यस। उसके बाद ये डोनट चार्ट है, डोनट चार्ट भी सेम पाई चार्ट की तरह ही होता है, बीच से जो कट जाता है वही है, वो भी एक ही कॉलम पे अप्लाई होता है। और ये 3D है तो 3D प्लस डोनट चार्ट को 3D में कन्वर्ट कर, आपके पाई चार्ट यहाँ पे क्या है, आपने पाई चार्ट लगा रखा है, ये सॉरी आपका पाई चार्ट है, जब आप 3D पे क्लिक करेंगे यहाँ 3D पे तो क्या होगा, 3D पाई चार्ट हो जाएगा। अगर आपका डोनट चार्ट है, जब 3D पे क्लिक करेंगे तो आपका डोनट चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? समझ गए? यस सर। ये स्कैटर चार्ट है, डॉट लाइनिंग दे देता है, जैन फैब की डॉट लाइनिंग बता दिया इसने, डॉट लाइनिंग। ये आपका बबल चार्ट है, ये बबल्स के रूप में दिखाता है, इसके भी सारे अपनी फॉर्मेटिंग, अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका मैप चार्ट है, तो मैप चार्ट करने से क्या हम करते हैं, उससे पहले मैप चार्ट को भी देखते हैं, उससे पहले कुछ अदर चार्ट्स हैं उसमें देखते हैं। अदर चार्ट में जैसे कि यहाँ पे वाटरफॉल चार्ट, तो वाटरफॉल चार्ट आप देख पा रहे हैं कि इसने पूजा का वाटरफॉल में दो था, दोनों का मर्ज किया हुआ है। yes. तो पूजा इतना सेल हुआ, फिर उसको ऐड कर दिया, कुमुलेटिव करते हुए आपको टोटल में लेके चला गया, समझे? नहीं समझे सर? वो बढ़ा रहा धीरे-धीरे करके, बढ़ाया नहीं, मैं इसको एक लाइन बताता हूँ। मैं यहाँ पे डेटा लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मंथ है, मंथ का डेटा है जिसमें जैन फेब मार्च इस तरह से दिया हुआ है, दिसंबर, ठीक है, और यहाँ पे सेल्स है, और इसको नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया, कॉपी करता हूं, इंसर्ट, एक मिनट, कॉपी, और यहां पे हम पेस्ट स्पेशल में वैल्यू कर देते। अब मान लीजिए इस पे सेलेक्ट करता हूं, और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाता हूं, और यहां चार्ट के अंदर हम कॉम्बो चार्ट की जगह पे वाटरफॉल चार्ट लेते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए अब यहां पे हमने क्या किया, नीचे इसको हम इसको लग देते हैं ऐसे, यहां पे क्यूमुलेटिव टोटल लाते हैं कि दैट प्लस ऊपर आ रहा है, ठीक है, समझ गए? यस सर। अब देखिए इसने क्या किया, जैन का दिखा दिया, फिर फैब, जैन कहां तक है, 48 तक, राइट? यस, 48 तक आ गया, और 48 से यहां पे 132 माने 48 से 84 दिखाया और 132 पे पहुंचा, ठीक है ना, 141 दिखाया और कहां पहुंचा, 173 पे, 173 से उसने 23 दिखाया, कहां पहुंचा, 196, ठीक है ना सर? 196 से 70 दिखाया, 166, और पहुंचते पहुंचते बाद में इसने अंत बताता है कि टोटल 557 है, ठीक है ना? यस, क्लियर है। अब इसी में कहीं नेगेटिव वैल्यू होती, यहाँ नेगेटिव वैल्यू, तो ये बताता कि 66 तो है बट नेगेटिव, 300 पे पहुंचा, यहाँ पे देखिए 274 पे पहुंचा है, 274 से 300 की तक वैल्यू जो है वो नेगेटिव में। यस, क्लियर है?
ये हमारा वाटरफॉल चार्ट वर्क करता है। अब इसकी हम एडिट चार्ट में जाते हैं, इसकी भी जो है फॉर्मेटिंग वही है जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ। इसमें एक एग्रीगेट का है, अगर मैं एग्रीगेट पे क्लिक करता हूँ, नहीं इसमें एग्रीगेट का कोई फंक्शन अप्लाई नहीं हुआ। कस्टमाइज में वही सारी चीजें हैं जो कि होते हैं, मैं लास्ट क्लास में बताया आपको। वाटरफॉल चार्ट समझ में आ गया आपको? अब आता हिस्टोग्राम चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, 60 के जगह पे 70 कर देता हूँ। ये आपका मंथ आ गया, ये आपका अच्छा हिस्टोग्राम चार्ट में क्या होता है, एक स्लैब होता है, ठीक है ना। ये बी यहाँ पे देखिए 20 से 33 के बीच में 3 सेल काउंट किए गए। बात समझ में आया सर कि नहीं? हाँ सर आया। इसने एक स्लैब दे दिया, क्या दे दिया? ये स्लैब यहाँ से यहाँ तक के 33 के बीच में 3 सेल्स किए गए हैं, 33 से 40 के बीच में 13 का इसने बनाया हुआ है स्लैब, और इसने बताया कि भाई 72 से 85 के बीच में इतने सेल किए गए। तो इस स्लैब के अकॉर्डिंग अपना वर्क करता है, कर रहा है, ठीक है। अब इसकी कस्टमाइज पे आते हैं, तो हिस्टोग्राम पे आते हैं। इसने क्या किया हुआ, 100 डिविडेंड इसने ऑटो लिया हुआ है परसेंटेज लेकर। आप यहाँ पे अपने हिसाब से दे सकते हैं कि भाई 50% का हो, तो देखा 50% सत्तर से 85, ठीक है ना। अब परसेंटेज है, आप अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 दिया हुआ है, ये दिखा आपको 2-2 का गैप आ गया, 20 से 22, 22 से 24, मैंने इसको 50% कर दिया। 50% पे में दो चीज है कि आप 50% पे करना चाहते हैं या 10% पे करना चाहते हैं या फिर इस पे करना चाहते हैं। अब अपने हिसाब से लिख लें, मान लीजिए मैं चाहता हूँ 10-10 का देना, तो 10-10 का आ गया, 10 से 33 दिख रहा है आपको, 21 से 33 100 डिविडेंड आइटम ये आपको दिख रहा है, ठीक है। बाकी तो चीजें वही है जो हमने लास्ट टाइम में समझाया था, ठीक है। तो आपका हिस्टोग्राम चार्ट था। तो हिस्टोग्राम चार्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, रेडार चार्ट। रेडार चार्ट है, रेडार की तरह सर्कल बनाएगा और बताएगा कि आपका सेल किस महीने में भी क्या है। उसके बाद ये आपका आता है गज चार्ट। गज चार्ट में आपको दिख रहा है सर हर महीने का दिखा रहा है क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसको ऐसे नहीं किया जाता, इसको ऐसे नहीं। जैसे मान लीजिए मुझे टोटल सेल हमारा यहाँ, ये मान लीजिए मंथली हो गया हमारा, राइट, और हमारा यहाँ पे टोटल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इसको डैशबोर्ड वगैरह में यूज किया जाता है कि यहाँ पे 2021 सेल्स, यहाँ पे ईयर हो गया और ये हो गया सेल, सेल क्या हो गया आपका, हो गया इक्वल सम, सम आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, 608 आया। अब इसको इसको सिलेक्ट करके हम देखिए, इसको जो 2021 है इसको हमें क्या करना होगा, टैक्स में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो क्या होगा सर, वो पकड़ लेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं इंसर्ट में चार्ट, चार्ट में मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इस गैच चार्ट को, दिख गया आपको सर, ये 2021 608 इसने सेल किया है, बड़े 100 का मीटर पे नीचे आ रहा है ना, क्या सर? तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे हमारा ईयर है इस लेवल में गया है, सीरीज में 1-2-3 है, सही है, और वापस कस्टमाइज में आते हैं।
कस्टमाइज में चार्ट स्टाइल पे हमारा सही है। हम यहाँ पे गेज पे आते हैं, गेज में यहाँ पे मिनिमम है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में मैंने 1000 दे दिया, ठीक है, यहाँ 1000 आ गया। तो आप यहाँ भी एक रख सकते हो कि भाई टोटल कितना हमारा सेल होता है उसके मीटर के हिसाब से मीटर जनरेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रेंज कलर है, तो हमने यहाँ पे बोला कि मिनिमम 550 और मैक्सिमम 200। तो ये दिख रहा है कलर आ गया सर 50 से ऊपर का। उसके बाद आता है ऑरेंज कलर, किसको देना है, हम यहाँ पे करते हैं 205 से 500, 205 आ गया, और 5 का गैप दिया था कि बीच में इस तरह का गैप दिखे इसलिए दिया था। और यहाँ पे ग्रीन कलर हमने क्या कर दिया 505 से 1000, ठीक है। तीन का स्लैब यहाँ पे सॉरी इस तरह से आपका मीटर बन गया, समझे सर। बाकी चार्ट के स्टाइल वगैरह तो वही है जो आप यूज करते हैं। एक गर्ट चार्ट, ये आपका गर्ट चार्ट था, यस। इसके बाद एक टोटल चार्ट आता है जो जस्ट टोटल में आपको शो करेगा कितना टोटल हुआ। नंबर एक के साथ अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये दो -608 दिख रहा है ना सर, और ये आपका 2021 दिख रहा है, तो यहाँ ईयर दिखे और यहाँ पे वैल्यू दिखे, सेल्स दिखे, समझे। यस, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीन कार्ड चार्ट कहते हैं। बाकी ये आपका इस पे यूज नहीं हुआ, इसके लिए फिर मुझे डेटा सिलेक्ट करना होगा अलग से। इस चार्ट को डिलीट करता हूँ मैं, इसको सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट चार्ट्स, और यहाँ पे हम मंथ सॉरी मंथ में इसमें चार्ट में आते हैं। ये आपका कैंडस्टिक चार्ट कहा जाता है, लेकिन इसका यूज पे नहीं होता, इसमें दो कॉलम चाहिए, एटलीस्ट 5 कॉलम, बट यस 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम आपसे डेटा होगा तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये होता है बेसिकली, इसका यूज हम लोग इसमें स्टॉक का डेटा जो होता है ना, शेयर मार्केट का डेटा, कितना नीचे गया, कहाँ कितना से स्टार्ट हुआ, कितना टॉप बॉटम में कितना गया, अप में कितना गया, क्लोज कितने पे हुआ, इस तरह के चार्ट पे यूज करते हैं, ठीक है। yes. उसके बाद यहाँ आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के लिए मोस्ट सेल्स मस्ट बी टेक्स्ट में होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैनेजर MNG, उसके बाद सीनियर, कोऑर्डिनेटर, क्लर्क, हमें 4-5 देती। अब इसको हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, चार्ट ब्लैक नो डेटा है, इसी में यहाँ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे क्लिक करता हूँ, टू कॉलम्स है, और यहाँ पे
1, 2, 3, 4, and 5. Column must be text. Column must be text. दोनों कॉलम टेस्ट है इसको। ये आपका आईडी होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये मैं इसके लिए डेटा आप उसी साथ तैयार करके दिखाऊंगा, ठीक है? इसको मैं कल बताता हूँ। डेटा मेरे पास नहीं है और डेटा तैयार करेंगे तो लेट हो जाएगा। यस। उसके बाद और एक दो चार्ट और भी है, उसको भी देख लेते हैं। क्या ज्यादा चार्ट बच्चे नहीं है इसमें? ये आपका ये आता है ट्री मैप चार्ट, ट्री मैप चार्ट, थ्री कॉलम, थ्री कॉलम चाहिए, बट इसे जोड़ी नहीं है थ्री कॉलम देने का, सर इसका नाम ही थ्री चार्ट, थ्री मैप चार्ट नहीं, थ्री कॉलम थ्री मैप चार्ट है, जो कि एक एरिया बताता है कि किसको कहां क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्री मैप चार्ट इसके लिए यूज किया जाता है। नॉलेज मैंने इसको एरिया सेलेक्ट कर लिया, नेम आ गया, इसके लिए भी डेटा अलग अलग बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या था कि लोग टी मैप चार्ट जो यूज करते हैं एक्सेल में, उसमें इसकी जरूरत कंडीशन नहीं थी, नॉर्मल था। यस, ठीक है। टाइमलाइन चार्ट है, इसके लिए भी नहीं। तो तीनों चार्ट जो है, तीन चार्ट में आपको कल कराता हूँ। आपका टेबल चार्ट है, ये तो जस्ट जैसे ऊपर एक्सेल का टेबल उस तरह से यहाँ पे दिखाता है। यस यस, हाँ सर। तो चार्ट में तीन चार्ट रह गए जो कि हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पिवट टेबल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है सर? यस, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, हेलो हेलो सर। यस सर।